तैयार है पाकिस्तानी फौज, सारी कौम तैयार है। नरेंद्र मोदी ये फिर से यहाँ से कह दो कि हम तैयार होंगे, जो आप करेंगे आपका मुकाबला करेंगे, एंड तक जाएंगे। इनका जवाब हम पत्थर से देंगे और आपको इंशाल्लाह, आपको वक्त आ गया कि आपको एक सबक सिखाएंगे। हम इनके साथ थे, साथ हैं और इंशाल्लाह हमेशा साथ रहेंगे। हम हमेशा कश्मीरियों के साथ थे, साथ हैं और इंशाल्लाह हमेशा साथ रहेंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने हत्ते कश्मीरियों के हम कदम अपने खिताब में कहा, मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करना भारत की साजिश है। पाकिस्तान खित्ते का एक अमन पसंद मुल्क है, कोई हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझे। कश्मीरियों से जज्बाती वाबस्तगी जाहिर कर दी। घर जाना चाहता हूँ, मैं जलील से प्यार करना चाहता हूँ, जब मेरी माँ पैदा हुई थी उस बट्टी पर अपना सीधा घर लगाना चाहता हूँ, जहाँ पर मेरी बच्ची बेटियों का खून था इस कश्मीर के अंदर। आदी यकजहती कश्मीर की मरकजी तकरीब कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में हुई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सब्ज हिलाली परचम सरबलंद किया। तकरीब में अस्करी और सियासी क्यादत, सिविल हुकाम, दिल्ली की पुरवकार तकरीब, सियासी क्यादत, फौजी नुमाइंदों समेत आवाम की बड़ी तादाद ने हाजिरी दी। मसाजिद में नमाज फजर के बाद मुल्क की सलामती और कश्मीर की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं। से खैबर तक, कश्मीर से कश्मीर तक, लाहौर से गवादर तक यौम आज़ादी यकजहती कश्मीर पर पाकिस्तानी कौम का इत्तेहाद और यकजहती का अजीम मुजाहरा। कहीं टैबलोज और कहीं मिली नगमों के जरिए पाकिस्तान और कश्मीरियों से दिली मोहब्बत का इजहार। टंडू मोहम्मद खान में हिंदू बिरादरी की मुल्की सलामती के लिए दुआएं। आजाद कश्मीर में 300 फीट तवील परचम के साथ रैली। चिल्लास के शहरी के भी दिल की आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम जिंदा कौम है, पाकिस्तानी कौम ने यौम आजादी शायान शान तरीके से मनाया। अहम इमारतों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। रात 12 बजते ही शहरी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते सड़कों पर निकल आए। आसमान रोशनियों से जगमगा उठा। साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने भी वतन से मोहब्बत का इजहार किया। पाकिस्तान का यौम आजादी, यकजहती कश्मीर, यूएई, तेहरान और अनकारा में पाकिस्तानी सफारतखानों में तकरीबियात, फ्रांस और लंदन में भी पुरवकार तकरीब, बहादुर कश्मीरी आवाम की जद्दोजहद आजादी को शानदार सलाम पेश किया गया। और ईद उल अजहा का तीसरा दिन मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी की गई। घरों में मजेदार लजीज पकवान दस्तरखान की जीनत बने।